तन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर है। दिव्य विष्णु दरबार फिर बनाएगा मोदी सरकार। जब दुनिया के रहस्यमयी मंदिर में पहुंचे प्रधान सेवक, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पीएम मोदी की हरी साधना। मंदिर में सात रहस्यमय तहखाने जहां छिपा है अकूत खजाना। सियासत का भक्ति पथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। सियासत का भक्ति पथ में आज हम करेंगे पड़ताल कि राम और श्याम की भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, सनातन का संकल्प जीत की कितनी बड़ी गारंटी है और आखिर मोदी के भक्ति पथ से विजय पथ कैसे सुनिश्चित होगा। सियासत के भक्ति पथ में इस एपिसोड में हम उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत के उस मंदिर की बात करेंगे जो रहस्यों से भरा है, जो है भगवान विष्णु का धाम, दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक, केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दिल्ली से करीब 3000 किलोमीटर दूर वो मंदिर जिसके रहस्यों की पहेली को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जिस मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो सोने चांदी और हीरे जवाहरातों की कहानी फिर से याद आ गई। एक ऐसा मंदिर जहां सदियों पुराने खजाने का राज दफन है, जिस खजाने की कहानियां हैरतअंगेज है, जहां की महिमा सैकड़ों सालों से हिंदुओं की जुबान पर रहती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित इसी पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दुनिया के सबसे अमीर की दर पर जब पीएम मोदी पहुंचे तो क्या हुआ वो आज जानेंगे। कहते हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों में इतना खजाना है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। उसी मंदिर में पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है जो कि 7 मंजिला ऊंचा है। गोपुरम को कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के पास ही सरोवर भी है जो पद्म तीर्थ कुलम के नाम से जाना जाता है। पद्मनाभस्वामी मंदिर की भव्यता जितनी अलौकिक है, रहस्य उतना ही गहरा है। हिंदुओं की आस्था और विरासत को समेटे पद्मनाभस्वामी मंदिर का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है इसका खजाना। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर और उसमें 7 तहखाने और इन्हीं तहखानों में अरबों की दौलत, क्या आप कल्पना कर सकते हैं
ये कोई कल्पना नहीं, कोई फसाना नहीं, बल्कि ये हकीकत है। स्वर्ण जैसा चमकता ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। ये मंदिर सनातन के स्वर्ण काल का प्रतीक है। सनातन की दृष्टि से केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का बड़ा महत्व है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर से गहरा नाता है। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया था, उसके बाद मोदी केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे। मोदी का सनातन पथ, 2024 का विजय पथ। मोदी युग में सनातन की पताका चारों दिशाओं में लहरा रही है। पूरी दुनिया ने देखा पीएम मोदी कैसे एक राम भक्त, एक सेवक और एक साधक की मुद्रा में नजर आए। तो आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाकर दक्षिण भारत की संस्कृति की झलक पूरी दुनिया के सामने पेश की। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी एक बार फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर पर पहुंचे और अब 2024 का लोकसभा चुनाव करण है, तो क्या पद्मनाभ स्वामी मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु का आशीर्वाद एक बार फिर से पीएम मोदी को मिलने वाला है? कहते हैं इस मंदिर में हर आने वाले भक्त को भगवान विष्णु का वरदान मिलता है, हर मनोकामना पूरी होती है, हर कार्य सिद्ध होता है। भारत के वैष्णव मंदिरों में शामिल ये ऐतिहासिक मंदिर केरल के पर्यटन और धार्मिक आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है। मंदिर में प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम के भगवान अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इसी रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। ये केरल की संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। इसके एक तरफ तो खूबसूरत समुद्र तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों की अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी वास्तुकला, रहस्यमय तहखानों और बेशुमार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये भव्य और विशाल मंदिर द्रविड़ियन शैली में बनाया गया है। मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा 12,008 शालिग्राम से बनी है। ये शालिग्राम नेपाल की नदी गंदगी के किनारों से लाए गए थे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का स्थापत्य देखते ही बनता है। मंदिर के निर्माण में महीन कारीगरी का भी कमाल देखने योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सदियों पुराने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की तो सनातन के ध्वजवाहक एक अलग अवतार में दिखाई दिए। पीएम मोदी ने धोती पहनकर और शॉल ओढ़कर
पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच पूरा अनुष्ठान किया। इस मंदिर को भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक के तौर पर माना जाता है। मोदी पूर्वी द्वार से मंदिर के अंदर आए, वहां करीब 20 मिनट बिताए। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु के मंदिर में प्रार्थना की। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनाया था। इसका जिक्र 9वीं सदी के ग्रंथों में मिलता है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनाया गया। मान्यता है कि इस जगह भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी। इसके बाद राजा मार्तंड ने यहां मंदिर बनवाया। सन 1750 में महाराज मार्तंड ने खुद को पद्मनाभ दास बताया। इसके बाद त्रावणकोर शाही परिवार ने खुद को भगवान के लिए समर्पित किया। माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी सारी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। हालांकि त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आजादी के बाद इसे भारत में मिला लिया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया। तब से मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। मंदिर और इसकी संपत्ति के स्वामी भगवान पद्मनाभ स्वामी ही है। बहुत दिनों तक ये मंदिर और इसकी संपत्तियों की देखरेख और सुरक्षा एक न्यास ट्रस्ट द्वारा की जाती रही है, जिसके अध्यक्ष त्रावणकोर के राज परिवार का कोई सदस्य होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज परिवार को इस मंदिर के प्रबंधन की अध्यक्षता करने से रोक दिया। 2000 साल पुराने इस मंदिर की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जून 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के गुप्त तहखानों को खोलें और उनमें रखी वस्तुओं का निरीक्षण करें। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 तहखाने खोले गए थे। उस समय करीब 1,32,000 करोड़ का खजाना मिला था। हालांकि अभी भी 7वें तहखाने को नहीं खोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी है। कहा जाता है कि पिछले 6 दरवाजों को खोलने पर जितना खजाना निकला था, उससे भी कहीं अधिक खजाना 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि ये संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साल 2023 में मंदिर की कुल संपत्ति 1,20,000 करोड़ रुपए बताया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे, जिसको बोल्ट बी के नाम से भी जाना जाता है, दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति बनी हुई है। कहा जाता है इस दरवाजे नाग बंधन या नाग पाशम मंत्रों से बंद किया गया होगा। कई लोगों की मान्यता है कि खजाने की रक्षा सांप करते हैं। इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ है। मंदिर प्रशासन ने संपत्ति और तहखाने को लेकर दैवीय इच्छा जानने के लिए देव प्रश्नम आयोजित किया था। कुछ लोगों का कहना है कि अगर 7वें तहखाने को खोला गया तो प्राकृतिक आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसी समय उस व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया था। मान्यताओं की माने तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण करने के बाद ही खोला जा सकता है।
अगर मंत्र पढ़ते वक्त पुजारी से कोई गलती होती है तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष ही मंत्रोच्चार करके खोल सकता है। हालांकि इस बात का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है कि मंदिर के सातवें दरवाजे के भीतर कितना खजाना छिपा हुआ है। इस वजह से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सातवां दरवाजा आज भी रहस्य बना हुआ है। अब तक इसके राज से पर्दा नहीं उठ पाया है। इसी साल 17 जनवरी को पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर में पूजा और दर्शन किया था। गुरुवायूर देवस्वोम भगवान गुरुवायूरप्पन को समर्पित ये मंदिर हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है और इसे भूलोक वैकुंठम यानी पृथ्वी पर विष्णु का पवित्र निवास कहा जाता है। लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन का सबसे बड़ा समागम 2024 के चुनाव के लिए बहुत काम आने वाला है। यह महज संयोग नहीं कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी हिंदुत्व और सनातन की ध्वज पताका लहरा रहे हैं। सोचिए, चुनाव से 2 महीने पहले ही बड़ी जीत को लेकर इतना आश्वस्त पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी नजर आई। 2024 में पीएम मोदी जीत की लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि सीट की लड़ाई 400 पार की है। रैलियों में मोदी का कॉन्फिडेंस गजब का दिखाई दे रहा है। मोदी ने खुद के लिए टारगेट सेट किया है। बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 पार सीटें। वहीं दूसरी ओर इस बार के चुनाव में सबका फोकस दक्षिण की 132 सीटों पर है। 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती है। एनडीए के 400 सीटों का टारगेट का रास्ता भी दक्षिण से ही होकर गुजरता है। कांग्रेस के लिए बची कुची सियासी जमीन को सहजने का रास्ता भी इन 132 सीटों से ही गुजरता दिखाई दे रहा है। इस बार गठबंधन की सूरत बदल गई है। विपक्षी गठबंधन का नाम बदल गया है। कई राज्यों में एनडीए को नए साथी मिल गए हैं, मुद्दे बदल गए हैं और इसलिए माना जा रहा है कि नतीजे भी बदल जाएंगे। इस बार मुद्दा नॉर्थ वर्सेस साउथ का भी है, मंदिर और सनातन का भी है। उत्तर भारत में अपने पीक पर पहुंच चुकी बीजेपी के लिए दक्षिण के 2 राज्य तमिलनाडु और केरल में पाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल खोने के लिए कुछ भी नहीं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के लिए मिशन साउथ इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। 2019 के लोकसभा चुनावी नतीजों की बात करें तो 20 लोकसभा सीटों वाले केरल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने केरल में शानदार सफलता हासिल की थी। यूडीएफ ने राज्य की कुल 20 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। एलडीएफ के खाते में केवल 1 सीट ही आई, जबकि एनडीए का खाता तक नहीं खुला। यूडीएफ को 47% वोट मिले थे, जबकि एलडीएफ को 36.3% वोट। वहीं एनडीए को 15.6% वोट मिले थे। केरल में हमेशा से बायपोलर चुनाव हुआ है। एलडीएफ बनाम यूडीएफ के बीच फाइट हुई है। बीजेपी आज तक केरल में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई है। हालांकि कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है। हालांकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी तिरुवनंतपुरम में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी।
2014 में बीजेपी के पक्ष में 32% से कुछ अधिक वोट पड़े थे, जो 2019 में घटकर 31% रह गए। बीजेपी त्रिशूर में हिंदू और ईसाई वोटर को साधने में जुटी हुई है। महिला वोटर्स को भी अपने पक्ष में करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। केरल में वोट शेयर को देखें तो हिंदू वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ईसाई और अल्पसंख्यक वोट भी कम नहीं है। हिंदू वोटर्स जहां 55% है तो वहीं मुस्लिम वोटर्स 27%, जबकि ईसाई वोटर्स 18% है। ये भी 100% सच है कि बीजेपी के लिए सियासत का दक्षिण पथ इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर थी, 2019 में ये लहर सुनामी में बदल गई। और अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में विरोधियों की सारी कोशिशें धराम हो जाएंगी। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF इस बार भी सबसे ज्यादा सीटें जीतने की पूरी तैयारी कर रही है, जबकि बीजेपी केरल के तटीय इलाकों में पकड़ मजबूत कर रही है। त्रिचूर और तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी कड़ी टक्कर दे सकती है।